कई दिन पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर खूब बवाल देखने को मिला था, जहां जिले के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र निवासी अखिल त्यागी नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया पर दूसरे समुदाय को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट कर दी, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। जिसे लेकर बीते शनिवार देर शाम सैकड़ों की तादाद में समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। इस दौरान उसे छोड़े जाने की अफवाह उड़ी और गुस्साई भीड़ ने बुढ़ाना कस्बा में रोड जाम कर दी, यहां तक कि आरोपी की दुकान और घर पर पत्थरबाजी तक की गई। हालात तनावपूर्ण हो गए थे और पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को शांत कराया था, मगर पुलिस ने कानून हाथ में लेने वालों पर भी अब कड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि रोड जाम और पत्थरबाजी के चलते पुलिस ने 700 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा अब 19 पत्थरबाजों और बवालियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें AIMIM के भी नेता शामिल हैं, और उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। और बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार किया है। जनपद मुजफ्फरनगर में 19 अक्टूबर को थाना बुढ़ाना में हुए उपद्रव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 5 लोग चिन्हित हुए हैं जिन्होंने इस पूरी चीज़ को प्लान किया था और एग्जीक्यूट किया था। इसमें हसनैन, रमीज, आजम, तारिक और राहिल हैं। इसमें रमीज AIMIM का यूथ जिलाध्यक्ष है और आजम इसमें AIMIM का नगर अध्यक्ष है। इसमें अभी रमीज और तारिक फरार हैं, बाकी 3 जो इनके लीडर्स हैं उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। इस पूरे प्रकरण में व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें AIMIM का जो विधानसभा का ग्रुप है उसमें भी ऑडियो वायरल किए गए थे कि अल्लाह के शान में गुस्ताखी हुई है तो लोग इकट्ठा वहाँ पर हों और प्रशासन और पुलिस पर अनुचित दबाव बनाएं। इसमें जब लोगों को समझा के वापस भेजा जा रहा तो हसनैन ने अपनी लीडरशिप में वहाँ पर अखिल त्यागी की दुकान पर पथराव किया था। इसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे जिसमें कैफ, फैज़ और समीर, ये सब इन सबको भी चिन्हित कर लिया गया है। कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अभी भी हम CCTV फुटेजेस चेक कर रहे हैं, बाकी सारे एविडेंसेस हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें बाकी गिरफ्तारियां भी जल्द की जाए। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 मोबाइल, डायरी, पेन और एक प्रिंटर मशीन बरामद की है। आरोपियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाली गई थी, जिसमें 50 लोगों को चिन्हित कर रविवार रात को ताबड़तोड़ दबिश देकर सोमवार सुबह तक 19 बवालियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 3 मुख्य साजिशकर्ता AIMIM का बुढ़ाना विधानसभा अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष आजम, हसनैन, राहिल शामिल हैं, जबकि 2 अन्य साजिशकर्ता पार्टी के जिला यूथ अध्यक्ष रमीज माविया उस्मानी और तारिक फरार हैं।